डियर स्टूडेंट्स एन अवस्थी वीडियो सॉल्यूशन सीरीज में आज हम लेवल थ्री की क्वेश्चन फोर्टी वन टू फिफ्टी डिस्कस करेंगे लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन फोर्टी वन फोर्टी वन में हमें क्या बोला गया है इन द फॉलोइंग रिएक्शन विच चॉइस हैज वैल्यू ट्वाइस दैट ऑफ द इक्वेलेंट मास ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा वह जो खुद रिड्यूस हो रहा हो तो यहाँ पर अपन देखें सल्फर डाइऑक्साइड प्लस एच टू एस में थ्री एस प्लस टू एच टू का फॉर्मेशन हो रहा है तो सल्फर यहां पर प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में जिससे किस में जा रहा है जीरो ऑक्सीडेशन में जा रहा है यानी रिडक्शन यहां पर हो रहा है तो सल्फर डाई का यहां पर एक्ट किस की तरह कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है तो इसका जो इक्वेलेंट मास होगा इक्वेलेंट मास जो होगा वो हो जाएगा मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर अब यहां पर फैक्टर अपन कैलकुलेट करें तो प्लस फोर से जीरो में जा रहा है तो पर यूनिट चेंज कितना हो रहा है यहाँ पर फोर और नंबर ऑफ एटम्स वन है सल्फर के तो यहाँ पर इनफेक्टर वन हो जाएगा और इसका जो मोलर मास होता है वो होता है सिक्सटी फोर तो यहाँ पर हमारे पास होगा सिक्सटी फोर बाई फोर तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी आ जाएगी सिक्सटीन अब इसका आपने को क्या करना है ट्वाइस करना है तो सिक्सटीन का ट्वाइस करने में हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी थर्टी टू तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है फोर्टी टू द परसेंटेज ऑफ सेलिनियम इन परोक्सीडीज एनहाइड्रस एंजाइम तो अपने पास परोक्सी एनहाइड्रस एंजाइम एक मॉलिक्यूल है जिसमें सेलिनियम का परसेंटेज बाई मास 0.5 परसेंट दिया हुआ है जिसमें एटॉमिक मास सेलिनियम का अपने पास कितना है सेवेंटी है तो मिनिमम मोलिकुलर मास ऑफ परोक्सीडीज एनहाइड्रस एंजाइम अपने को पता करना है तो अपने पास लेट से लेट मिनिमम हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो परोक्सी डेज एनहाइड्रस एनजाइम है मिनिमम परोक्सी डेज एनहाइड्रस एनजाइम कंटेन्स वन ऐटम ऑफ सेलिनियम कम से कम एक सेलिनियम एटम वहाँ पर प्रजेंट हो सकता है मिनिमम कंडीशन पर तो अपन यहाँ पर देखें कि हमारे पास लेट से जो परोक्सीडेज एनहाइड्रस एनजाइम का मास है वो है एक्स ग्राम इस x ग्राम का 0.5 परसेंट अपन निकालेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा मास ऑफ वन एटम के बराबर हो जाएगा तो x का आपने 0.5 परसेंट निकाला और इसको इक्वल कर दिया मास ऑफ वन एटम विच इज़ 78.4 तो इससे हमारे पास कैलकुलेट करने पे जो x की वैल्यू आएगी हमारे पास आ रही है वन पॉइंट फाइव सिक्स एट इन टू टेन टू द पावर फोर तो ये इस मोलिक्यूल का यानी परोक्सीडिज एन हाइड्रस एनजा का मिनिमम मास हो जाएगा जो कि कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है यह ऑप्शन ई से मैच कर रहा है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्टी थ्री सल्फर फॉर्म्स द क्लोराइड्स एस टू सी एल टू एंड एस सी एल टू द इक्वेलेंट मास ऑफ सल्फर इन एस सी एल टू इज तो सबसे पहले इक्वेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट या सल्फर आप बोलेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ सल्फर एटॉमिक मास ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाई वैलेंसी ऑफ एटम कि वहाँ पर कंपाउंड में उसकी कितनी वैलेंसी है या आप पेन फैक्टर भी बोल सकते हैं क्योंकि उस पर टोटल चार्ज कितना होगा तो यहाँ पर एटॉमिक मास ऑफ सल्फर जो होता है वो थर्टी टू ग्राम होता है और हमारे पास एस सी एल टू में जो सल्फ़र की वैलेंसी होगी वो होगी प्लस टू तो यहाँ पर टू से डिवाइड कर देंगे तो ये इक्वेलेंट मास हमारे पास सिक्सटीन हो जाएगा तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक नेक्स्ट है फोर्टी फोर मोलरिटी ऑफ लिक्विड एच सी एल डेंसिटी इक्वल टू वन पॉइंट वन सेवन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यानी हमारे पास जो डेंसिटी दी गई है वो कितनी दी गई है यहाँ पर वन पॉइंट वन सेवन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जिसे आप वन पॉइंट वन सेवन ग्राम पर एम एल भी लिख सकते हैं तो अपने को मोलरिटी निकालनी है मोलरिटी के लिए अपने को क्या चाहिए वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स चाहिए तो यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम लेड से अपन क्या मान लेते हैं वन लीटर मान लेते हैं लेट तो यहाँ पर वन लीटर में यानी वन थाउजेंड मिली अब अकॉर्डिंग टू दिस डेंसिटी अपने पास क्या वैल्यू होगी कि हमारे पास वन मिली में कितना ग्राम है एच लिक्विड है जब लिक्विड सॉल्यूशन एच का दिया गया है तो वन मिली वॉल्यूम में वन पॉइंट वन सेवन ग्राम है तो वन थाउजेंड मिली में कितना एच होगा वन पॉइंट वन सेवन इन टू वन थाउजेंड तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा वन वन सेवन जीरो ग्राम एच सी एल यहाँ पर आ जाएगा तो अपन इसके मोल्स निकाल लें कि हमारे पास मास तो गए वन था तो मोल्स ऑफ एच सी एल हमारे पास हो जाएगा वन वन सेवन जीरो डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास ऑफ एच सी एल विच इज़ थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव तो कैलकुलेट करने पर यह आ जाएगी थर्टी टू पॉइंट जीरो फाइव मोल अब अपन मोलेरिटी निकालें तो मोलेरिटी हमारे पास होते हैं मोल्स मोल्स हमारे पास थर्टी टू पॉइंट जीरो फाइव दिया हुआ है डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम इन लीटर तो यहाँ पर टोटल वॉल्यूम लीटर में क्या है वन लीटर है तो हमारी जो मोलरिटी हो जाएगी वो हो जाएगी थर्टी टू पॉइंट जीरो फाइव मोलर तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट अपन देखें इफ़ नाइट्रिक एसिड चेंजेस फ्रॉम चेंजेस इन टू एन टू द ऑक्सीडेशन नंबर इज चेंज बाई तो हमारे पास नाइट्रिक एसिड ये अपन ने लिया है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है एन टू में कन्वर्ट हो रहा है अब यहाँ पर अपन नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो कैसे होगी प्लस वन हाइड्रोजन का है एक्स मान लेते हैं इसको ऑक्सीजन के लिए थ्री माइनस टू इक्वल टू जीरो तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर प्लस फाइव और यहाँ पर नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो टू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो तो एक्स की वैल्यू प्लस वन हो जाएगी तो हमारे पास प्लस फाइव से प्लस वन में जा रहा है तो यहाँ पर जो चेंज होगा वो क्या हो रहा है फाइव माइनस वन यानी फोर यूनिट का चेंज हो रहा है तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है फोर्टी सिक्स द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन एन टू एच फाइव प्लस इज तो हमारे पास एन टू एच फाइव प्लस में नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट पता करनी है लेट से टू एक्स हो गया प्लस हाइड्रोजन की प्लस वन होती है एक ओवरऑल चार्ज प्लस वन है तो यहाँ पे टू एक्स वन माइनस फाइव यानी माइनस फोर तो एक्स की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी माइनस टू यानी नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर माइनस टू है इसी तरह से एच थ्री ए एस ओ फोर में आर्सेनिक आइटम का ऑक्सीडेशन नंबर अपने को पता करना है तो हमारे पास क्या होगा इसमें थ्री इंटू प्लस वन आर्सेनिक का एक्स प्लस ऑक्सीजन का फोर इंटू माइनस टू इक्वल टू जीरो तो यहाँ पर एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू प्लस फाइव तो आर्सेनिक की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी हो जाएगी प्लस फाइव हो जाएगी तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है फोर्टी एट इफ Gram of metal displaces 1.2 ग्राम ऑफ मेटल डिस्प्लेसेस 1.12 लीटर हाइड्रोजन एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल तो इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल क्या होगा दैट कैन डिस्प्लेस डिस्प्लेस वन मोल हाइड्रोजन यानी 22.4 लीटर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सके तो हमारे पास यहां पर क्या दिया हुआ है 1.2 ग्राम मेटल डिस्प्लेस हो रहा है किससे 1.12 लीटर से तो हमारे पास अपन लिख सकते हैं चूंकि 1.12 लीटर H2 टू मेटल यहां पर कितना हो जाएगा 1.2 ग्राम मेटल तो हमारे पास 1 लीटर H2 टू डिस्प्लेस करेगी कितना 1.2 पॉइंट टू डिवाइडेड बाई वन ग्राम मेटल अब यदि अपन बोलें यहाँ पर कि अपन वन मोल एच टू डिस्प्लेस करने के लिए कितना ग्राम मेटल रिक्वायर्ड होगा वही क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट मास हो जाएगा तो हमारे पास ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर तो यहाँ पर कैलकुलेट करने पे यह वैल्यू आएगी वन पॉइंट टू वन पॉइंट वन टू इंटू ट्वेंटी टू पॉइंट फोर इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी ट्वेंटी फोर ग्राम जो कि अपना क्या हो जाएगा मेटल का इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्टी नाइन द इन द रिएक्शन द स्पेक्टेटर आयन इज तो हमारे पास सबसे पहले स्पेक्टेटर आयन होता क्या है इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए स्पेक्टेटर आयन वह आयन होता है जो कि ड्यूरिंग द रिएक्शन अनएफेक्टेड रहे तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं अपन द आयन विच इज नॉट अफेक्टेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन इज नोन एज स्पेक्टेटर आयन तो हमारे पास देखिए इस रिएक्शन में जिंक किसमें कन्वर्ट हो रहा है जिंक टू प्लस में टू एच प्लस किसमें कन्वर्ट हो रहा है एच टू में यानी यहां पर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से प्लस टू में जा रहा है यहां पर प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट से किसमें जा रहा है जीरो में जा रहा है बट यहाँ पे क्लोरीन जो है वो माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट से माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में ही है तो यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पर स्पेक्टेटर आयन कौन सा हो जाएगा सी एल माइनस हो जाएगा नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ओजोन इज तो हमारे पास किसी भी एलिमेंट का प्योर फॉर्म में हो कोई एलिमेंट या वो एलोट्रोपिक फॉर्म में हो एलोट्रोपिक फॉर्म में हो जैसे फॉर एग्जाम्पल ओ टू का एलोट्रोपिक फॉर्म ओ थ्री होता है तो इन सब केसेस में हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो होगी जीरो ठीक है तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा